फिर इस सरजमीन में अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत पैदा हुई है। ये सारी चीजें जो है ये दर हकीकत इशारा कर रही है कि ये मुल्क मशीयत एजदी के किसी तवील सिलसिले की एक कड़ी है, और वो सामने आ गया था कि सन 47 में यह कायम हुआ है और पूरे 9 महीने बाद 14 अगस्त और 13 मई 14 अगस्त सन 47 और 13 मई सन 48 पूरे 9 महीने बाद इसराइल आलम वजूद में आ गया। अल्लाह ताला ने उस आलमी बीमारी उसके लिए जो इलाज है वो पहले पैदा किया है, जैसे कि हदीस में आता है मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ला लहू दवान। अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी कि जिसका इलाज भी ना उतार दिया हो। और जैसे कि माँ की छातियों में बच्चे की विलादत से पहले दूध पैदा हो जाता है, उसकी गिज़ा का बंदोबस्त पहले हो जाता है, इसी तरीके से इसराइल का जो फितना उठने वाला था उसकी सरकोबी के लिए पाकिस्तान वजूद में आया है। और आज वो मरहला आ गया है तारीख का एक अजीम मोड़। आप देखेंगे कि बड़ी मुशाबहत पैदा हो गई है, एक तरफ बज़ाहिर अमरीका की मर्जी के खिलाफ इसराइली वजीर आजम नतन्याहू वो बड़ा एक गुरूर का और बड़े तकब्बुर का मुजाहरा कर रहा है, और वो पूरा पीस प्रोसेस जिस पर न मालूम कितना वक्त सर्फ हुआ था, कितनी मेहनतें हुई थी, कितने राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए थे, कभी वाशिंगटन में हुए हैं, कभी ऑस्लो तर्ज का कोई मुआहदा हुआ है, कभी फिर और उसके बाद पेशी हुई थी मैड्रिड के अंदर भी, लेकिन वो सारा पीस प्रोसेस जो है उसकी धज्जियाँ कर रहा है। वो वक्त बिल्कुल करीब नज़र आ रहा है कि यरूशलम के मसले पर वहाँ भट्टी दहक उठेगी, और अहादीस नबिया में जो खबरें दी गई हैं किताबुल मलाहिम की अहादीस में मालूम होता है कि अब उसका आगाज़ होने वाला है। नतन्याहू को अमरीका के खिलाफ जाने का असल में हौसला क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि उसे मालूम है कि फरंग की रगे जहाँ पंजा यहूद में है, चाहे क्लिंटन हो या क्लिंटन का बाप हो, यहूदी लॉबी वहाँ की इतनी मजबूत है, कांग्रेस में और सेनेट में उनका इतना असर है कि कोई भी वहाँ शख्स बड़े से बड़ा ताकतवर और बड़े से बड़ा इख्तियारात का हामिल इसराइल की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। यही मामला यहाँ नजर आ रहा है। बज़ाहिर तो नाराजगी का इजहार हुआ है, लेकिन ये बात अब तो खुलती चली जा रही है। हकीकत यह है कि यहूद और हनूद का बड़ा गहरा लिंक कायम हो चुका है, और ये भट्टियाँ आप दोनों तरफ दहकेंगी। मैं इससे पहले बारहा कह चुका हूँ, मिल्लत इस्लामिया तकरीबन 150 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन उसमें से तकरीबन 20 करोड़ अरब हैं। इनको अल्लाह ने खुसूसी फजीलत दी थी, ये थे कि जिनकी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ, खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब थे, उन्हें जो फजीलत अता की थी। लेकिन बदकिस्मती से इस दौर में आकर भी उन्होंने आज़ादी हासिल करने के बाद भी अपना क़िबला दुरुस्त नहीं किया। किसी ने मास्को की तरफ रुख किया, किसी ने वाशिंगटन का रुख किया, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुख नहीं हुआ। वाकया ये है कि मुजरिम है। दूसरे बड़े मुजरिम 150 करोड़ में से 10% ये 15 करोड़ मुसलमान हैं। हालिया जो सेंसस हमारा हुआ है उसके बाद अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ की आबादी 15 करोड़ हो चुकी है। 10% उम्मत मुस्लिमा का मुसलमाना ने पाकिस्तान है, और ये इस एतबार से कि इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाकर निस्सदी गुजार चुके, लेकिन यहाँ पर इस्लाम का बोलबाला नहीं हुआ, किताब व सुन्नत की बालादस्ती कर ऐलान नहीं हुआ। दस्तूर में सारी इस्लामी दफात मौजूद, लेकिन उसके साथ ही ऐसे खला मौजूद, चोर दरवाजे मौजूद कि कोई दफा भी मुअस्सर नहीं है। ये मुनाफिकत का पलंदा लेकर हम चल रहे हैं इस दस्तूर को, इस दस्तूर मम्लकत पाकिस्तान को। लिहाजा वाकया ये है कि ये भट्टी जो है अब हमारी आजमाइश के लिए आग आद इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? इसलिए मैंने वो आयत भी आपको सुनाई, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ। आज की सूरत हाल पर गौर कीजिए, किस दर्जे ये अल्फाज हमारे जो है वो साबित हो रहे हैं और जिस अप्लाई हो रहे हैं, एक खतरा पैदा हो चुका है। वाकया ये है कि कोई क्राइसिस हो, कोई खतरा हो, कोई अंदेशा हो, तो कौम जाग जाया करती है। और इसके बाद हकीकत यह है
अगर हमने जुरत कर ली, और मुझे यकीन है कि हो जाएगा, कुछ ले तो लाल है, कुछ ताखीर है, हुकूमत के कुछ ऐलानात दो तरफा से भी आ जाते हैं, लेकिन मुझे यकीन है ये धमाका होगा, ये मशीयत एजदी है, ये शुदनी अम्र है, ये होगा। और उसके बाद यकीनन इस आयत मुबारका का दूसरा लफ्ज हम पर मुंतबिक होगा, वला नब्लुवन्नकुम बिशय मिन अल खौफ वल जूए, यहां दूसरा लफ्ज भूख का लफ्ज है, हम पर सख्तियां आएंगी। यकीनन अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, पूरी दुनिया अमरीका की जेर सरपरस्ती हमारे खिलाफ खड़ी होगी, हमारे ऊपर पाबंदियां लगेंगी, लेकिन शायद हमारे जज्बा ईमानी को बेदार करने के लिए अल्लाह ताला इसी को जरिया बना दे, और फिर इसके जरिए से पूरे आलम इस्लाम में अवामी सतह पर जो हमदर्दी पैदा होगी पाकिस्तान के साथ, उसके आसार शुरू हो गए हैं। कभी कतर की तरफ से खबर आ रही है, कभी अल अहराम का जो है वहां बात सामने आ रही है, मालूम हो रहा है कि जो भी पब्लिक ओपिनियन है पूरे आलम इस्लाम में उसकी वजह क्या है। मैंने अपने पिछले जुमे के खिताब में अर्ज किया था कि जैसे पाकिस्तान सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान है, ऐसे ही इसकी एटमी सलाहियत यह भी खुदादाद है, अल्लाह ने छप्पर फाड़ कर हमें दी है। ऐसा नहीं था कि हमने लेबोरेटरियां बनाई हो, हमारे सैकड़ों और हजारों साइंसदान रिसर्च में लगे हुए हों, नहीं, अचानक अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक नेमत गैर मुतरकबा अता हो गई डॉक्टर अब्दुल कदीर की शक्ल में। फिर न मालूम किस किस जरिए से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जिन पुर्जों की जरूरत थी, किस किस जरिए से वो पुर्जे यहां पहुंचे हैं, यह भी खालिस खुदादाद सलाहियत है। और इसको समझ लेना चाहिए कि यह हमारे लिए एक फर्ज किफाया के दर्जे में है पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से। उसकी वजह क्या है, पूरे आलम इस्लाम में कहीं और यह सलाहियत मौजूद नहीं। कुछ एटमी दांत निकलने का इम्कान पैदा हुआ था इराक में, आपको मालूम है कई साल पहले इसराइल के जेट्स आए और उसकी एटमी तनसीबात को तहस नहस करके चले गए। इसके बाद जो कुछ हुआ है खलीज की जंग में, उसका अगला पिछला खाया पिया सारा उगलवा दिया, और उसके लिए जो पाबंदियां हैं शरीर से शरीर तर अभी तक चली आ रही। तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ एक पाकिस्तान, पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना, पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ एक मुल्क है जिसके पास एटमी इस्तेदाद है। इन दोनों चीजों को सामने रखिए तो फिर मशीयत एजदी में मुख्तलिफ चीजें जो अल्लाह ताला की उस तदबीर के अंदर मौजूद है उसकी कुछ ना कुछ कड़ियां जो है मिलती नजर आती हैं। लिहाजा अगर यह मामला हो जाता है तो यकीनन अगरचे सख्ती आएगी, वलनब्लुवन्नकुम बिशय मिनल खौफ वल जू, लेकिन एक तो यह कि इस कौम के अंदर से इंशाअल्लाह जज्बा ईमानी बरामद होगा, इस कौम के अंदर से इसार और कुर्बानी के जज्बात बरामद होंगे, पूरे आलम इस्लाम की अखलाकी सपोर्ट इसे हासिल होगी। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे नवाए वक्त ने भी बहुत अच्छा किया कल या परसों के अपने जो सर वक्त पर वो अहादीस शाये कर दी हैं, जिनमें से दूसरी हदीस बड़ी मानी खेज है, हुजूर ने फरमाया दो लश्कर ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग से छुटकारे का परवाना दे दिया, वो लश्कर जो है वो जहन्नम की आग से छुटकारा पा गए, वो दोनों लश्कर कौन से होंगे, एक वो के जो हिंदुस्तान पर हमलावर होगा, और दूसरा वो जो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ जबकि उनका नुजूल होगा, और अल्लाह ताला एक मुजद्दिद इस आखिरी दौर के मुजद्दिद की हैसियत से हजरत महदी को भी हमारे दरमियान में से उठाएगा, और फिर जो आखिरी फैसला कुन जंग होगी अल मलहमतुल उज़्मा, उसके लिए यहां से फौजें जाएंगी उनकी मदद के लिए। अब इन दोनों फौजों को एक हदीस में जमा करने से अंदाजा कर लीजिए कि इसका मतलब क्या है, यह इलाका पाकिस्तान और इससे मुल्हिक अफगानिस्तान, यह इलाका है कि जो इस्लाम का गहवारा पहले बनेगा, यहां से फौजें जाएंगी और दाएं भी और बाएं भी, मशरिक में भी और मगरिब में भी, और यहीं से इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का जो आलमी गलबे का जो वादा है अल्लाह का, खबर दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
الاسلام, इस रूए अर्जी पर कोई घर बचेगा ना खेमा बचेगा जिसमें अल्लाह ताला कलमा इस्लाम को दाखिल न कर दे। वो हदीस के जिसके बारे में फरमाया गया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, हजरत सौबान से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए सारी जमीन को समेट दिया, इन अल्लाह ज़वालिय लर्द फरायत व मशारिकहा व मगारिबहा, मैंने इस जमीन के सारे मशरिक देख लिए, सारे मगरिब देख लिए, लेकिन ये जान लो इन उम्मती सैब लोगो मुल्कुहा माज़ुवे अली मिनहा, मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो पूरी जमीन को लपेट कर मुझे दिखा दिए गए। ये वादा पूरा होना है और इस वादे का नुक्ता आगाज यही सरजमीन, और जैसा कि हमें अफगानिस्तान में आसार नजर आ रहे हैं, एक खालिश दीनी मजहबी हुकूमत कायम हो चुकी है। अफगानिस्तान का 80% इलाका अमन का गहवारा बन चुका, उलमा की वहाँ क्यादत है और हुकूमत है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर, जैसा कि आपको याद होगा मैंने जब तजवीज़ पेश की थी कि हुकूमत पाकिस्तान फौरन तस्लीम करे तालिबान को, अल्लाह का शुक्र है, मैं समय ये नहीं कहता कि मेरे कहने की वजह से हुआ, लेकिन बहरहाल अल्लाह का फजल हुआ कि चंद दिन के बाद ही हुकूमत पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया तालिबान की हुकूमत को। मेरी दूसरी तजवीज़ अभी पेंडिंग है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का के दरमियान कॉन्फेडरेशन कायम किया जाए। ये मुल्क दोनों मिलकर वाकईतन, एक ने वाकईतन 15 लाख से ज्यादा जाने देकर मरना सीख लिया है, और जो कौम मरना सीख ले उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और एक वो कौम है पाकिस्तान में कि जो 400 साल की तजदीदी मसाई के असरात की अमीन है, ये उसका तुरासे इल्मी है, चाहे वो तहरीक हजरत मुजद्दद अल-फिसानी की थी, चाहे वो इल्मी तहरीक शाह वलीउल्लाह की थी, चाहे वो तहरीक जिहाद सैयद अहमद बरेलवी का था, चाहे और जो भी रिजाल अजीम पैदा हुए हैं 14वीं सदी हिजरी में, इन सब के असरात यहाँ मौजूद हैं। ये चीज़ें मिलकर वो ताकत बनेंगी कि यहाँ से इस्लाम फिर फैलेगा मशरिक की तरफ भी मगरिब की तरफ भी। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद व इसाबतुन मा ईसा इब्न मरियम, ये चीज़ें जो होनी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अब तेज़ी के साथ हालात उस रुख पर जा रहे हैं। कहीं फरमाया इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। वहीं यखज़ुलकुम, और अगर खुदा ने खास्ता अल्लाह ताला ही अपनी मदद तुमसे खींच ले, वापस ले ले, सल्ब कर ले, इन यखज़ुलकुम तुम्हें छोड़ दे, तो मंज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बाद, तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकेगा।